प्रदेश में तेज गर्मी का दौर शुरू हो गया है, जिसके चलते राज्य सरकार की ओर से पेयजल आपूर्ति के साथ इंतजाम भी किए जा रहे हैं। वहीं पेयजल आपूर्ति को लेकर A1 TV संवाददाता पिंटू सिंह नरुका ने की PHED मंत्री BD कल्ला से खास बातचीत। प्रदेश में तेज गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, गर्मी अब पूरी प्रदेश की जनता को तपाने लगी है। वहीं अब इस गर्मी के मौसम में पेयजल की मांग बढ़ चुकी है और पेयजल की क्या स्थिति है और जलदाय विभाग ने किस प्रकार से तैयारियां की है, इस पर हम बात करेंगे PHED मंत्री BD कल्ला साहब से। सर, गर्मी तेज शुरू हो चुकी है, विभाग की किस प्रकार की तैयारियां हैं पेयजल व्यवस्था को लेकर? देखिए, कोरोना महामारी के राजस्थान में प्रवेश से पूर्व ही फरवरी में 65 करोड़ रुपये की लागत से हमने कंटिंजेंसी प्लान मंजूर करा लिया था। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले के कलेक्टर के अंतर्गत 50-50 लाख रुपए की स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं। उसमें कलेक्टर हमारे जलदाय विभाग के अधिकारियों से बातचीत करके कहाँ नया कुआं खोदना है, कहाँ हैंडपम्प खोदना है, कहाँ हैंडपम्प की मरम्मत करनी है, कहाँ लाइनों को दुरुस्त करना है और जहाँ सोर्स समाप्त हो गया है तो आसपास के गांव से परिवहन के माध्यम से पानी को पहुँचाना है। ये सारी व्यवस्थाएं पहले से कर दी गई हैं और 50 लाख रुपए जब वे खर्च कर देंगे तो उनको और राशि उपलब्ध करवा दी जाएगी। इस तरह से 65 करोड़ का कंटिंजेंसी प्लान मंजूर कर दिया है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे अधिकारियों के माध्यम से, हमारी टीम के माध्यम से हम राजस्थान में पानी की आपूर्ति में कहीं कोई कमी नहीं आने देंगे। 15 दिन से जिला कलेक्टर, हमारे जलदाय विभाग और बिजली कर्मचारियों के साथ, अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं और उसकी समीक्षा करके जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है, जहाँ जहाँ परिवहन की आवश्यकता होती है, उसके बारे में काम शुरू कर दिया है। विभाग की ओर से हमेशा पेयजल की समुचित व्यवस्था करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पेयजल की किल्लत राजस्थान में रहती है। पिछली बार भी हमने देखा, लेकिन इस बार लॉकडाउन है, लॉकडाउन में स्थितियाँ थोड़ी अलग है। इस बार बड़ी चुनौती है विभाग के सामने कि पेयजल की आपूर्ति करवाना, कुछ चीज़ें बदली है तो इस बार थोड़ा एडवांस में तैयारी करना, क्या कुछ ज़्यादा फोकस किया गया है लॉकडाउन को देखते हुए? जैसा मैंने आपको बताया, एक तो हैंडपम्प की मरम्मत का काम, लगभग 2.5 लाख के करीब हैंडपम्प पूरे राजस्थान में, उसकी मरम्मत का काम हाथ में लिया गया है। उसके साथ साथ कुछ जो नए कुएं खुद गए हैं उनके कनेक्शन कराने की प्रायोरिटी को ध्यान में रखा जा रहा है। जहाँ जहाँ कुएं खुद गए, पाइपलाइन नहीं डली है तो उसके बारे में ध्यान दिया जा रहा है और घर घर जल पहुँचाने की योजना को भी क्रियान्वित करने को इस लॉकडाउन के बाद में हम बहुत तेजी से प्राथमिकता देकर उस काम को आगे बढ़ाएंगे। एक आपके पास बिजली विभाग भी है और दोनों ही विभाग इस लॉकडाउन में कहीं ना कहीं कोरोना वॉरियर्स के तहत काम कर रहे हैं। कहीं भी चुनौती आती है, कहीं पाइपलाइन लीक हो जाती है, जहां कर्फ्यू ग्रस्त होता है वहां जाकर काम कर रहे हैं। किस प्रकार से कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का या फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन के लिए निर्देश दिए और क्या कुछ ध्यान रखा जा रहा है दोनों ही विभागों में? हमारे विद्युत कर्मी और जलदाय कर्मी दोनों कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं। उनको भौतिक दूरी का ध्यान रखते हुए, फिजिकल डिस्टेंसिंग को कायम रखते हुए, वे इन क्षेत्रों में जहाँ जहाँ लाइन टूट जाती है उनको ठीक करने का काम, चाहे कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र हो चाहे लॉकडाउन का क्षेत्र हो, हर जगह वे लाइनों की मरम्मत का काम कर रहे हैं। कि अप्रैल और महीने में हम पूरे राजस्थान में विद्युत पोलों के रखरखाव के लिए और लाइन के रखरखाव का काम भी करते हैं। आप जानते हैं, इन दिनों में आंधी तूफान के कारण भी हमारी कई लाइनें टूट जाती है, बड़ा नुकसान होता है, उसको ठीक करने के लिए भी हमारी टीमें बराबर मौके पर तैनात हैं और वो काम कर रही है। लॉकडाउन को देखते हुए जो स्थिति बनी उसको देखते हुए जनता को राहत देते हुए बिजली बिल स्थगित किया गया, लेकिन कंपनियां जो हैं वो राहत देने की मांग कर रही है, बिजली कंपनियां हैं। देखिए, जिस व्यक्ति ने अपना बिल समय पर भर दिया है डिजिटल पेमेंट के माध्यम से, उनको हमारी डिस्कॉम ने 5% छूट दी है, लेकिन बहुत से लोगों ने पेमेंट नहीं किया, उनके पेमेंट 2 महीने के लिए स्थगित किए गए हैं। लेकिन दूसरी ओर मैंने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी से राजस्थान में जो ये मांग उठी कि जिन उद्योगों ने या जिन व्यापारिक संस्थाओं ने बिजली का उपयोग ही नहीं किया उनका स्थायी शुल्क माफ़ किया जाए, ये मांग मैंने उनको भारत सरकार तक पहुँचाई है। अब भारत सरकार जो भी निर्णय लेगी उसको हम क्रियान्वित करेंगे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, भारी मात्रा में आप जिस क्षेत्र से आते हैं, बीकानेर से, पश्चिम राजस्थान से, जो यहाँ के लोग हैं वो दूसरे राज्यों में रहते हैं प्रवासी, उनको लाने के लिए किस प्रकार से व्यवस्था की जा रही है? देखिए, शुरू में ही माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक जी गहलोत ने ये मांग उठाई थी कि भारत सरकार को जो प्रवासी लोग राजस्थान के बाहर हैं
और राजस्थान आना चाहते हैं या राजस्थान में अन्य प्रदेशों के लोग जो अपने अपने प्रदेशों में जाना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल ट्रेन वगैरह की व्यवस्था की जाए, तो अब 2-3 रोज़ से ये काम जारी हो चुका है। अभी कोलकाता के जो विद्यार्थी कोटा में पढ़ते थे उनको कोटा से कोलकाता ले जाने के लिए बसें गई, हमको पता लगा कि बसें वहाँ से खाली आ रही है, तो हमने यहाँ जो नोडल ऑफिसर्स हैं लगाए हुए उनसे बातचीत करके आज ही 171 आदमी जो हैं बीकानेर ज़िले के हैं वो भरतपुर आ चुके हैं और वहाँ भरतपुर में राज्य सरकार की परिवहन निगम की बसों से बीकानेर पहुँच जाएंगे। इसी तरीके से बेंगलोर से मुंबई से स्पेशल ट्रेनें शुरू हुई हैं और वो प्रवासी लोगों को पहुंचा रही है और वो वापस जब जाएंगे तो यहाँ के लोग जो हैं वो उन प्रदेशों के लोग हैं वो वहाँ पहुँच जाएंगे। ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने शुरू कर दी है और इससे काफ़ी लोगों को रिलीफ मिलेगी। तो ये है पीएचडी और ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला, जिनका कहना है कि जलदायी विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है और इस गर्मी के मौसम में जलापूर्ति में कोई कमी नहीं रहेगी, इसका पूरा प्लान बना चुके हैं। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ पिंटू सिंह नरू का एवं टीवी जयपुर।